कोरोना काल में जहां अपने ही परिजन का पार्थिव शरीर लेने से कतरा रहे हैं, वहीं एक ऐसा शख्स है जो धर्म की सीमाएं लांघकर इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। दरअसल वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार कर रहा है। जी हां, मुस्लिम मोहम्मद खालिद ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। वो कहते हैं उन्हें दाह संस्कार करने में डर नहीं लगता। कोविड-19 के मरीजों को देखते ही आम लोग दूरियां बना देते हैं। ऐसे में समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कोविड-19 के मरीज जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए समाज में सबसे आगे आते हैं। आज हमारे साथ रांची के हरमू मुक्ति धाम में जो कोविड-19 के मरीजों का दाह संस्कार करते हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। आज से 14 साल से पहले से मैंने शव का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करने का एक बीड़ा उठाया है। तो कोविड-19 से जो मृत शरीर है उसके परिजन से लेकर सारे लोग छोड़ दे रहे हैं और शव की दुर्दशा नहीं हो और शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो, इसलिए मैंने यह काम को सम्मानपूर्वक किया हूँ। रांची में कुछ तकलीफ हो रही थी तो माननीय श्री मड़वारी समुदाय के लोगों ने कहा कि यहाँ तकलीफ हो रही है, बोले मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हर शव का उसके धर्म के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो। कोविड का मैंने हजारीबाग में 11 हिंदू धर्म का और एक मुस्लिम धर्म का किया हूँ अंतिम संस्कार। रांची में आज 3 दिन से है, 2 दिन में 1200 का हम कर चुके हैं और आज मैंने 100 का करने जा रहे हैं। नहीं, कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का धर्म है। मैं धन्यवाद देता हूँ मारवाड़ी समाज का जो उन्होंने हम पर अटूट विश्वास किया। यह है रांची स्थित हरमू मुक्ति धाम। यहाँ पीपी किट पहने एक शख्स दिख रहा है जो मोहम्मद खालिद है। खालिद पीपीई किट पहने शवों के अंतिम संस्कार में जुटे हैं। कोरोना काल में जहां अपने ही परिजन अपनों का शव उठाने के लिए तैयार नहीं है, वहीं मोहम्मद खालिद अभी तक 12 कोरोना पॉजिटिव शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। मोहम्मद खालिद ने कहा कि उन्हें डर नहीं लगता। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम समाज उन पर दबाव नहीं डालता कि मुस्लिम होकर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार करते हो, इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने दबाव नहीं डाला बल्कि प्रोत्साहित ही किया। मोहम्मद खालिद ने इस काम के लिए मारवाड़ी समाज की खूब सराहना की। कोरोना महामारी के दौरान देखने में आ रहा है कि अपने लोग ही अपनों से कतरा रहे हैं, दुख सुख में साथ देने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी भयावह स्थिति में मोहम्मद खालिद के प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। उन्होंने इंसानियत का रास्ता अपनाया है। मौत की आशंका से बेखौफ वे अपने मिशन पर लगे हुए हैं। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट।